तौसीफ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने मोबाइल कैमरा को एज ए वेब कैम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो के लिए मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मैंने सोचा चलो एक आसान सी वीडियो बना देते हैं। इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी जो कि काफ़ी पॉपुलर है, शायद आप भी जानते होंगे, MobiZen। तो चलिए ओपन करते हैं प्ले स्टोर और डाउनलोड करते हैं MobiZen। प्ले स्टोर और प्ले स्टोर में हमें सर्च करना है MobiZen। ओके, सर्च किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रिजल्ट्स है MobiZen। सबसे पहले MobiZen गेम स्क्रीन रिकॉर्ड एंड उसके बाद है MobiZen फॉर सैमसंग। तो मैं सैमसंग के लिए डाउनलोड करूँगा, आप चाहें तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं सैमसंग, एंड सिंपली मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल एक्सेप्ट। ओके, ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया, मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन, एंड ये हमारा MobiZen जो है वो ओपन हो गया। स्टार्ट, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको साइन अप करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ से ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, और मैंने ऑलरेडी पहले जो है वो साइन अप कर लिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर करूँगा। आपको पहले साइन अप करना होगा एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट। ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया एंड स्टार्ट MobiZen। ओके, ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे सिंपली देखिए रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन है, आप इस पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आ रहा है ड्रैग हेयर टू क्लोज। ओके, एंड ये आइकॉन है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का आइकॉन है, कैमरा का आइकॉन। कंटिन्यू एंड रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गया, हमारा जो स्क्रीन है वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हमें अगर स्टॉप करना हो तो सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जो आइकॉन है इसे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए अभी 16 सेकंड की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई है। हमें अगर पॉज करना हो तो हम यहाँ से पॉज कर सकते हैं, अगर कैप्चर स्क्रीन कैप्चर करना हो तो स्क्रीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसे स्टॉप करूँगा एंड रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड जो है वो आ गया, मैं इसे प्ले करके देखता हूँ मैक्स प्लेयर के जरिए। ये देखिए हमने इसे अभी रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे जो, क्योंकि आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डेड बाय MobiZen जो है वो वाटरमार्क रह जाता है। तो ये था कि एंड्रॉयड मोबाइल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अपने मोबाइल को अपने पीसी के ज़रिए कंट्रोल करना हो, उसे ऑपरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर और जाते हैं MobiZen वेबसाइट के ऊपर, www.mobizen.com। एंड यहाँ पे हम उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे जिससे हमने अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है। कनेक्टिंग डिवाइस, कनेक्टिंग, एंड ये देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आ गया। यहाँ पे जो ये कोड है उसे हमें अपने मोबाइल में इंटर करना होगा जो कि 31 मिनट में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, और यहाँ पे कोड इंटर कीजिए 216230। यहाँ पे आप डोंट आस्क कर सकते हैं कि इस पीसी के लिए दोबारा से टू स्टेप वेरिफिकेशन ना किया जाए, एंड कनेक्ट। पीसी में भी आप देख सकते हैं कनेक्टिंग डिवाइस एंड कनेक्टेड। ओके, ये डिवाइस जो है वो हमारा कनेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, मेन्यू में जाना हो,
कहीं भी कुछ भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो ये तो है कि वेब ब्राउज़र पे हम अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें ताकि हमें वेब ब्राउज़र ओपन न करना पड़े। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में सिंपली जाते हैं और यहाँ पे देखिए पीसी प्लगइन का ऑप्शन है, हम यहाँ से पीसी प्लगइन डाउनलोड करेंगे। ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे पॉज कर दूंगा और यहाँ से शो इन फोल्डर में, यहाँ से मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे सिंपली इंस्टॉल करूंगा। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब हम लोग ओपन करते हैं मोबीजेन, ये है मोबीजेन और यहां पे हमें लॉग इन करना होगा फिर से। नेक्स्ट, और जो ईमेल आईडी हमने डाला था उसी ईमेल आईडी से हमें लॉग इन करना है। फेल टू कनेक्ट डिवाइस, आपको यूएसबी के जरिए कनेक्ट करना होगा तो आप यूएसबी पहले इंसर्ट कीजिए। मैंने यूएसबी इंसर्ट किया और उसके बाद हमें ये चीज़ कंफर्म करना है कि डिबगिंग मोड जो होता है वो हमारा ऑन हो। डिबगिंग मोड हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे मोर में जाता हूँ और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन होनी चाहिए और यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन है, ये जो है ये ऑन होनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे फिर से ओके प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे फिर से अगेन मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ, कनेक्ट। यूएसबी के जरिए कनेक्ट होगा, डिबगिंग मोड जो है वो ऑन होनी चाहिए। ये देखिए जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया। ओके, यहाँ से भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप हो गया, हम चाहे तो यहाँ से कैमरा एक्सेस कर सकते हैं और ये बिल्कुल लाइव व्यू यहाँ से हम देख सकते हैं। सॉरी, ये देखिए। तो अगर आपका हाई क्वालिटी का कैमरा है तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं स्पाई कैम के जरिए और इस तरीके से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो ये था कि कैसे मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और उसे अपने डेस्कटॉप के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने सीखा कि मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे अपने मोबाइल को कंट्रोल कैसे करते हैं और उसे प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि अगर हमें अपने मोबाइल कैमरा को एज ए स्पाई कैम यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। सिंपली एप्लीकेशन में अपने कैमरा को ओपन कीजिए और आपका कैमरा आपके लैपटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।